आप देख रहे हैं न्यूज़ ऑफ इंडिया टू, इस वक्त हम मौजूद हैं दिल्ली के अंदर गीता कॉलोनी के फ्लाईओवर पर, जहां पर आप देख रहे हैं कि मेरे पीछे एक स्कूटी नंबर है DL67AV8446। हम ये सारी चीज़ आपको इसलिए दिखा रहे हैं कि जो सज्जन हमारे सामने खड़े हैं इस वक्त, अभी जस्ट हमारे ही सामने, हम उनके जस्ट पीछे की तरफ से हम चल रहे थे और चलते वक्त हमने देखा कि बाइक पर दो स्नैचर, जो बहुत एक ज़बरदस्त पिकअप वाली बाइक होती है, उस बाइक पर थे। और बाइक पर रहने के बाद इनकी जो है इस जेब में, जो आगे की जेब में शायद कुछ रखा था, हम देखते हैं जाने की क्या हुआ आपके साथ। मोबाइल छीन के भाग गए, वो एकदम बाइक पे आए, मेरे जेब में हाथ डाला और मेरा मोबाइल छीन के भाग गए। वो एकदम से बाइक पे आए, मेरी जेब में हाथ डाल के मेरा मोबाइल निकाला और एकदम भाग गए बहुत स्पीड पे। उनका नंबर नोट करा आपने? नहीं कर पाया क्योंकि बहुत स्पीड थी गाड़ी की, देखी बहुत ज़्यादा स्पीड थी गाड़ी की। अच्छा, हम आपको बता दें कि गाड़ी की स्पीड वाकई बहुत ज़्यादा थी। तभी एक बराबर से जिप्सी जा रही थी पुलिस वालों की, हमने तुरंत कनेक्ट करा। कनेक्ट करने के बाद हमने उन्हें गाड़ी भी दिखाई कि सर वो गाड़ी है, और वो गाड़ी जो है इस टाइम बहुत तेज़ बाइक जो है वो भागी जा रही है, और उसके पीछे आपने देखा बहुत तेज़ जिप्सी गई है। हम भी बहुत तेज़ भागे, लेकिन वो बाइक बहुत आगे निकल चुकी थी। वो हाई पिकअप बाइक थी और हाँ पिकअप वाली बाइक थी, और वो मैंने बाइक देखी नहीं क्योंकि ढंग से ध्यान नजर नहीं आई, बहुत स्पीड पर भागी वो बाइक। सर कहाँ से आ रहे थे आप? मैं वहाँ दरियागंज से आ रहा था, चैन चौक से आ रहा था। अच्छा। और गीता कॉलोनी फ्लाईओवर, ये जो शांति वन वाला फ्लाईओवर है, ये पार करके गीता कॉलोनी का मोड़ घूमा ही था। इतनी देर में वो मेरे जेब से मोबाइल निकाल के भाग गए। अच्छा, किस जगह पॉकेट में रखा हुआ था आपने? पॉकेट में रखा हुआ था मोबाइल। अच्छा, तो कौन सा मोबाइल था, कौन सी कंपनी का था? उसका था, ओप्पो का था, A57 मोबाइल का मॉडल नंबर है। अच्छा, आप क्या कहना चाहेंगे पुलिस प्रशासन से, क्या कहना चाहेंगे दिल्ली सरकार से? इसमें तो बिल्कुल बढ़ते जा रहे हैं आए दिन, बहुत ज़्यादा बढ़ते जा रहे हैं। अभी कुछ दिन पहले भी कोई मिला था, उसका इसी जगह मोबाइल छीना गया है, लेकिन पुलिस प्रशासन कुछ कर ही नहीं रहा। अच्छा, जबकि जिप्सी के सामने से वो जिप्सी थोड़ी आ गई थी, मेरा छीना है उससे आगे जिप्सी थी, फिर भी वो भी देखा। हाँ देखिए, हम भी इत्तफाकन जो है इन जो सज्जन हमारे सामने खड़े हैं, क्या नाम है आपका? रवि अग्रवाल। रवि अग्रवाल जी, ये रवि जी के बिल्कुल पीछे जो इनकी स्कूटी आगे चल रही थी, और हम भी जो है आईटीओ से, आईटीओ प्रेस एरिया से जो है हम अपने काम से फारिग होकर निकल रहे थे, तो हम देख रहे थे कि एक हायाबूसा टाइप बाइक, बहुत हम एग्जैक्टली बाइक भी नहीं कन्फर्म कर सकते, ब्लैक कलर की बाइक थी, दो लड़के उस पर मौजूद थे और बहुत तेज़ी के साथ आए। उन्होंने हल्का सा ब्रेक लगाया, बल्कि जिस वक्त ब्रेक लगाया और इनसे बात करें तो मुझे ऐसा महसूस हुआ कि शायद इनका कोई परिचित इनसे कुछ कह रहा है, लेकिन वो कह नहीं रहा था, वो एग्जैक्टली इनका मोबाइल निकाल रहा था। क्योंकि जैसे ही उसने मोबाइल निकाला और पीछे वाले ने जैसे ही मोबाइल निकाला, आगे वाले को इंडिकेट किया कि बहुत तेज भाग, वो भागे बहुत तेज, स्पीड उन्होंने बढ़ा दी, और पीछे से जैन साहब जो है वो चिल्लाने लगे, चीखने लगे, और हमने भी अपनी इस बाइक से, जो स्प्लेंडर बाइक है, इससे पीछा करने की कोशिश की, लेकिन वो बाइक इससे कहीं ज़्यादा हाई पावर की बाइक थी, जिसकी वजह से हम भी असफल रहे, लेकिन पुलिस उन लोगों के पीछे गई हुई है। आपको क्या उम्मीद लगती है सर कि पुलिस उनके पीछे, क्योंकि मैंने खुद पुलिस वालों को इंडिकेट किया, आपने देखा होगा कि मैं पुलिस वालों के बराबर नहीं गया, मैंने कहा कि जिस सामने वो लोग भाग रहे हैं उनको पकड़ो, तो आपको क्या उम्मीद रखती है, आपको सफलता मिल पाएगी? सर मुझे तो उम्मीद नज़र नहीं आती, क्योंकि पुलिस वाले रहे तो हैं, लेकिन बाइक किस दिशा में मुड़ी है वो पुलिस वालों को भी नहीं कन्फर्म। देखिए, एग्जैक्टली हम आपको दिखाना चाहेंगे कि क्या हुआ के दो मोड़ हैं, एक एक लेफ्ट साइड जा रहा है जो राजघाट हाई स्पीडी की तरफ जा रहा है, और एक गांधीनगर शास्त्री पार्क सीधा जा रहा है। वहाँ से मोड़, नीचे फ्लाईओवर के मोड़ से मुड़ने के बाद, इसके बाद कंफ्यूज हो गए कि वो इस तरफ मुड़े या इस तरफ मुड़े, नहीं पता, लेकिन पुलिस की जिप्सी इस तरफ गई है, पुलिस की जिप्सी इस तरफ गई है उनके पीछे, और जाने के बाद बहुत तेज गई है, लेकिन एग्जैक्टली नहीं कहा जा सकता कि आखिर क्या होगा, वो स्नैचर पकड़े जाएंगे या नहीं पकड़े जाएंगे, या ये यहाँ पर बेचारे परेशान हैं और जिनका मोबाइल डाटा वगैरह सब कुछ छिन चुका है, उसके लिए ये जानते पूछते हैं। डबल सिम है, सारा डाटा वगैरह सब मोबाइल के अंदर ही है, मैं तो मैं माल खोल गया हूँ, मोबाइल के अंदर ही सब कुछ है। चलिए, आप सबसे पहला काम जो है उसको FIR कराएं, और FIR करा के हम जो है देखिए, इस न्यूज़ को बनाने का मकसद एक ये भी है कि दिल्ली के अंदर आप रहें सचेत, ऊपर वाले जेब में बिल्कुल मोबाइल ना रखें, क्योंकि हम आपको बिल्कुल अभी सडनली, कितने मिनट पहले हुआ अभी? 5-10 मिनट पहले जी, हम आपको इनसे ये बताना चाहते थे, मैं 5-10 मिनट की बात है, 5-10 मिनट पहले ये हादसा हुआ है, इसको ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को वायरल कीजिए, क्योंकि अग्रवाल साहब का तो नुकसान हो ही चुका है, लेकिन और किसी भाई का नुकसान ना हो, ये हमारी आंखों देखा मामला है जो अग्रवाल साहब के साथ हुआ। अब बने न्यूज़ ऑफ इंडिया टू के साथ, कैमरा पर्सन शेख के साथ, पत्रकार।